गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 5 तानसेन। इस चैप्टर में तानसेन के बारे में बताया गया है। तानसेन एक बॉय थे जो बहुत आगे चल के बहुत अच्छे म्यूजिशियन बने थे। चलिए हम स्टोरी देखते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो तानसेन थे वही अपने मतलब पेरेंट्स के एक बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, मतलब बहुत बदमाश थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। ही इमिटेटेड द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, मतलब उन वो जो थे मतलब वो इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, मतलब जैसे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ जो होती थी वो एग्जैक्टली सेम उनकी आवाज़ निकाल सकते थे। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक दिन की बात है, उन्होंने क्या किया था, कुछ लोग मतलब जंगल में घूमने आए थे और वहाँ से जा रहे थे, थक गए थे तो वो थोड़ी देर आराम करने लगे। तो ये जो तानसेन जी थे उन्होंने उनको डराने की कोशिश की थी by roaring like a tiger, मतलब टाइगर की आवाज़ निकाल के, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आवाज़ निकालती थी जैसे टाइगर निकालता है। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। You may have heard the name of Tansen. आपने तानसेन जी का नाम बहुत बार सुना होगा। The greatest musician our country has produced, मतलब हमारे कंट्री के बहुत अच्छे वो म्यूजिशियंस थे। A singer called Mukundan Mishra and his wife live in a Behat near Gwalior, मतलब ग्वालियर के पास एक कोई गांव है जिसका नाम है बेहत, और वहाँ पे मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ रहते थे। मुकंदन मिश्रा जी भी मतलब सिंगर ही थे। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका एक बच्चा था। इट इज़ सेड डैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ये माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। ऑफेंट ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में भाग जाते थे खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो वहाँ जाके उन्होंने सीखा चिड़ियों की आवाज़ निकालना, एनिमल्स की आवाज़ निकालना, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब सेम कॉपी, मतलब कोई ये नहीं बोल सकेगा कि कोई इंसान आवाज़ ऐसे निकाला, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम डिट्टो आवाज़ है वो निकालते थे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 16। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. एक दिन की बात है, famous singer Swami Haridas जी वहाँ forest में से जा रहे थे अपने disciples के साथ, disciples मतलब चेले pupils के साथ जा रहे थे। Tired the group settled down to rest in the shady group. तानसेन saw them, मतलब वो जो ग्रुप था लोगों का तो मतलब जो जा रहे थे चेले और गुरु उनके, तो वो थक जाते हैं और थकने के बाद वो क्या होता है एक पेड़ के नीचे, शेडी ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, मतलब जहाँ पे छांव रहती है वहाँ पे वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। और तानसेन उन्हें देखता है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप को कहता है कि अनजान लोग आए हैं फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बहुत मजा आएगा उन्हें डराने में। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर, वो क्या करता है पेड़ के पीछे छुप जाता है और शेर जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल डेम टूगेदर, जो मतलब ट्रेवलर्स का ग्रुप था जो जंगल में आराम कर रहे थे, लोगों का झुंड था, वो डर जाते हैं शेर जैसी आवाज़ सुन के, लेकिन जो स्वामी हरिदास जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग सब इकट्ठे हो जाओ एक जगह पे। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, वो बोलते हैं कि आप लोग डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, मतलब जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा खतरनाक होना ज़रूरी नहीं है। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो उसको देखते हैं। Suddenly, one of his men, smaller boy, hiding behind a tree. फिर अचानक उन्हीं में से एक जन उस लड़के को देख लेते हैं जो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। वो कौन रहते हैं? तानसेन जी पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। There are no tigers here, master, he said. उन्होंने बोला, और वो जो आदमी देखता है बच्चे को तो वो बोलता है कि यहाँ पे कोई शेर नहीं है, only this naughty boy, ये बदमाश बच्चा ही है यहाँ पे जो टाइगर जैसी आवाज़ निकाल रहा है। तो अभी तक हमने यही देखा कि स्टोरी में जो तानसेन जी रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा शरारती रहते हैं, वो जंगल भाग जाते हैं और वहाँ जंगल में जाके उन्हें जानवरों और बर्ड्स की आवाज़ से वो निकालना सीख जाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। एक दिन की बात रहती है, स्वामी हरिदास जी और उनका पूरा ग्रुप चेलों का वो जंगल से जाते रहते हैं और वो बहुत थक जाते हैं और वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उस टाइम पे तानसेन जी देखते हैं कि कोई अजनबी लोग जंगल में आए हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वो सोचते हैं चलो बहुत मज़ा आएगा इनको डराने में, तो वो शेर की आवाज़ निकालते हैं और वो झुंड के लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनके जो गुरु रहते हैं स्वामी हरिदास जी वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो शेर हो वो खतरनाक हो, और
फिर एक जन उनका ग्रुप में से एक जन देख लेता उस बच्चे को, बोलता है कि ये बच्चा ही है यहाँ पे जो शेर जैसी आवाज़ निकाला, कोई शेर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। आपको ये समरी बताई जा रही है कि आगे जो पैराग्राफ लिखा उसमें क्या है। तो इसमें ये बोला गया कि जो तानसेन जी रहते हैं वो स्वामी हरिदास जी से 11 साल तक म्यूजिक सीखते हैं। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद व्यास, और फिर वो बाद में एक होली मैन, होली मतलब वो बहुत अच्छे प्योर हार्टेड पर्सन के साथ रहते हैं, मोहम्मद व्यास के साथ। ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनानी। तो उनकी शादी किससे होती तानसेन जी की, आगे हुसैनी से होती है। हुसैनी एक लेडीज थी किसके कोर्ट में, कोर्ट मतलब पैलेस या किंगडम में, किसके, रानी मृगनानी के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास जी रहते हैं वो बच्चे को पनिश नहीं करते हैं। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वो उनके पापा के पास जाते हैं एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बच्चा बहुत बदमाश है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन बहुत गुणी है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मेरा ये मानना है कि मैं इसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वन टेंथ ईयर ओल्ड वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, तो उनके फादर परमिशन दे देते हैं, और उस टाइम पे जो तानसेन जी थे वो कितने साल के थे, 10 साल के थे, और वो स्वामी हरिदास जी के साथ चले जाते हैं। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और वो स्वामी हरिदास जी के साथ 11 साल तक रहते हैं और बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं म्यूजिक लर्न करके। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, उसी टाइम पे उनकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, किसके, तानसेन जी के। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद व्यास ऑफ ग्वालियर, मतलब उनके जो फादर थे मुकुंदन मिश्रा जी, उनकी विश ये थी मरते टाइम कि जो ये तानसेन है वो एक बार मोहम्मद व्यास के यहाँ जाए जो ग्वालियर में है। मोहम्मद व्यास वॉज अ होली मैन, मतलब बहुत पूजनीय इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा has been lot devoted to him and often visited him, मतलब जो मतलब उनके पापा थे तानसेन जी के वो मोहम्मद व्यास जी के यहाँ बहुत बार जाते भी थे, उनकी वो उनसे बहुत जुड़े हुए थे। while living in ग्वालियर with मोहम्मद व्यास तानसेन was often taken to the court of रानी मिगनानी, फिर क्या हुआ जब तानसेन जी मोहम्मद व्यास के यहाँ जाते हैं, वो उनके यहाँ रहने लग जाते हैं, तो एक दिन तानसेन जी को रानी मिगनानी के पैलेस में ले जाया जाता है। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर्सेल्फ, जो रानी मिगनानी जी थी वो खुद अपने मतलब बहुत अच्छी एक म्यूजिशियन थी। देयर ही मीट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडी ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी, और फिर वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम रहता है हुसैनी, और फिर उनकी शादी उससे हो जाती है। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, जो हुसैनी रहती है उनकी वाइफ वो भी चेली बन जाती है स्वामी हरिदास जी की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, मतलब फिर तानसेन और हुसैनी जी को 5 बच्चे होते हैं जो भी वो भी मतलब अच्छे रहते हैं गाना गाने में, वो भी म्यूजिक उनको बहुत आता है। पेज नंबर 17। तानसेन बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, sometimes he sang before Emperor Akbar who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court, मतलब फिर जो तानसेन जी थे वो बहुत अच्छा गाना फेमस हो गए थे हर जगह, फिर वो एक दिन अकबर के सामने भी गाना गाए थे, एम्परर अकबर के सामने, और अकबर जी भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बोला कि आप मेरे कोर्ट में आइए, मेरे कोर्ट में ही आप रहिए, मतलब किंगडम में पैलेस में रहिए। तो ये स्टोरी यहाँ तक इतनी थी, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे आगे की। थैंक यू।